हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपके यही चैनल ड्रीम इलेवन डॉक्टर में एक बार फिर से जो मैच हम इस वीडियो पे कवर करने जा रहे हैं वो होने वाला है यहाँ पे सीएस वर्सेस एन के बीच होने वाला मैच मलेशियन टी ट्वेंटी लीग का इस मैच की वीडियो तो वीडियो इंपॉर्टेंट रह सकते हैं ग्रैंड लीग प्रॉस्पेक्ट से देखोगे तो इसमें ऐसे तीन चार प्लेयर है जो आपको ग्रैंड लीग में अच्छा खासा रैंक दिलवा सकते हो मैं वीडियो में बताऊंगा इसलिए किसी भी पॉइंट में वीडियो को मिस मत करना आप किसी भी पॉइंट को मिस करके अपना लॉस कर सकते हो स्पेशली ग्रैंड लीग में तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है जिसका नाम है ड्रीम इलेवन डॉक्टर आपको स्क्रीन पे नाम लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा सेम नेम से हमारा टेलीग्राम चैनल अवेलेबल है आपको करना क्या हमारा टेलीग्राम का रियल और ओरिजिनल चैनल है क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल अवेलेबल है अदरवाइज आपको मैं जैसे तरीका बताऊंगा वैसे अगर आप ज्वाइन नहीं करोगे तो किसी गलत चैनल से जुड़ जाओगे आपको करना क्या है वीडियो के नीचे जाना है डिस्क्रिप्शन में जहाँ वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स वहाँ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा या फिर आपको हमारे वीडियो के नीचे ही जहाँ कमेंट करते हैं कमेंट बॉक्स वहाँ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा जैसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक पर क्लिक करोगे ब्लू कलर का होगा सबसे ऊपर उस पर क्लिक करोगे चैनल ओपन हो जाएगा देन आप उसको ज्वाइन कर लेना ग्रैंड लीग में रैंक वन की फोटो लगी होगी वही हमारा टेलीग्राम चैनल फटाफट जाकर ज्वाइन करो फाइनल सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आपको वहीं मिलने वाली है तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट आपके सामने मैं स्टैट्स अभी दिखा रहा हूँ इसको मैं अभी बाद में डिस्कस करूंगा ये स्टैट्स उठा के देखो ये सारे स्टैट्स अवेलेबल है जितने भी प्लेयर खेल रहे होंगे आपको ये स्टैट्स तब काम आएंगे अगर ऐसा प्लेयर आपको अभी तक जो तीन चार मैचेस हुए हैं इनके टीम के उसमें अभी तक तो कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं खेला जो आ, जो कल खेलेगा बाई चांस टीम उसको पहले मौका देती है तो आई थिंक आपके ये स्टैट्स काम आ सकते हैं स्टैट्स को आप रख सकते हो अपने पास ठीक है बाकी आते हैं आप दूसरी टीम के तो सीएस का भी सेम आपको मैं बताना चाहता हूँ सीएस का भी आप सेम ही स्टैट्स ले सकते हो सीएस का भी दे सकते सेम स्टैट्स अवेलेबल है सीएस के भी ऐसे ही तो आप इनको रख सकते हो ये आपके काम आएंगे अब मैं बताऊंगा वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट पिक और ग्रैंड लीग के मस्त पिक कौन से होने वाले हैं अब देखो सी एस का जो बैटिंग लाइनअप रहने वाला है वो ये लेने वाला है अनवर अरुद्दीन के बारे में बात करें तो अनवर अरुद्दीन है इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर अब जब आप स्टैट्स देखोगे तो स्टैट्स में आपको कुछ नजर आएंगे कि इसमें आपको समझ नहीं आएगा ये बॉल्स का मतलब यह ये कि ये बॉलिंग करेंगे ये मैंने जो चार बॉल बना के मतलब एक्सपेक्टेड हो गए चार ओर डालेंगे यहाँ पे मैंने फ्लाइट का निशान निशान इसलिए बना रखा है इसका मतलब ये इंटरनेशनल प्लेयर है ये मलेशिया के लिए इंटरनेशनल टीम में खेलते हैं तो वो इम्पॉर्टें प्लेयर होंगे और ये फायर और थम्सअप का मतलब है ये बहुत अच्छे प्लेयर हैं ठीक है तो बात को ध्यान रखिए चल अन अरुद दिन भी इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर है बहुत बढ़िया प्लेयर है लास्ट मैच में थोड़ा सही खेला पर उससे जो स्टार्टिंग के दो मैचेस थे उसमें अच्छा नहीं था बट लास्ट मैच में देख दो कितनी बढ़िया इनिंग खेला है और मलेशिया की इंट, इंटरनेशनल टीम इसके लिए ओपन करने के लिए आता है वहाँ पे भी असलम खान के बारे में बात करें इसके बाद ओपन करेगा बट बिस्तर इसको थोड़ा रखेंगे होल्ड में इतना इंपॉर्टेंट नहीं बोलूंगा अहमद फैज कैप्टन है ठीक ठाक ऑप्शन है टीम में रख सकते हो ड्रॉप कर सकते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है मेजोरिटी ऑफ जनता स्मॉल लीग में इसके साथ आएगी कि सेफ जाना चाहते हो अपनी टीम में ले, ले लेना बाकी बात करें रोहित व्यास स्मॉल लीग के लिए इतनी अच्छी पिक रहेगा नहीं बाकी बात करें अमर जुबी जुहिदीजला हजालन के बारे में तो सात रन मारे इसने विकेट कीपिंग रन की तरफ से बाकी बात करें जो मेरे लिए पहले ही ग्रैंड लीग पिक रहने वाला है वो है मोहम्मद रहमान अब क्यों बोल रहा हो लास्ट तीन मैच हो चुके हैं कुछ परफॉर्मेंस नहीं कर रहा इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर है चार ओवर पूरे डाल रहा है मिडल ऑर्डर रहा है बैटिंग कर रहा है मुझे इससे ऐसा भी हो सकता है कि कल भी फ्लॉप हो बट ग्रैंड लीग में कुछ डिफरेंट करना है बड़ी सोच रखना चाहते हो मतलब डिफरेंट सोच के जाना चाहते हो रिस्क लेना चाहते हो तो अब मैं बोलूंगा नजर रहमान को टीम में जरूर रहना लेना बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है देन आएगा यहाँ पे लॉकमैन नूर हकीम बाकी यहाँ पे वाकिफ वाफिक अजिल एक खान और यहाँ पे आएगा जूलिया अगर इनकी बॉलिंग की बात करें कौन कितने ओवर डाल रहा है तो यहाँ देखोगे तो हकीम जो मिडिल ऑर्डर बैटिंग कर लास्ट में आई ये ओपन भी बैटिंग करने आया था और चार ओवर कर रहा है। तो स्मॉल लीग के लिए सेव ऑप्शन आपके लिए रहने वाला है चार ओवर कर रहा है प्लस लास्ट टू लास्ट मैच ओपन भी आया था बाकी बात करें मोहम्मद वाफिक के तो चार ओवर में तीस रन एक विकेट बाकी रहमान को जैसे मैं कह रहा हूँ चार ओवर में तीस रन विकेट मिली परफॉर्मेंस नहीं आ रही बट कभी भी कर सकता है वो है आपके लिए ग्रैंड लीग का लीकर त्रुपका इक्का मोहम्मद शाह शाहिद, शाहिद अजल के बारे में बात करें तीन में उनतालीस है ठीक ऑप्शन है आई थिंक इसने परसों एक वाले मैच में चार विकेट है तीन विकेट लेके दी थी तो ये आपके बताते हैं जब टीम का सिलेक्शन करेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे अजयब खान के बारे में बात करें तो बैटिंग अच्छी गले में आके अच्छी खाती है एटिंग गलत है टीम इसको बैटिंग के लिए ऊपर प्रमोट कर सकती है और तीन से चार ओवर एक्सपेक्टेड डालेगा जहां आपको एक सादा विकेट दे सकता है तो एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए स्मॉल लीग में मत ट्राई करो तो ग्रैंड लीग में जरूर करना स्मॉल लीग के लिए बच्ची पिक रह सकता है आपके लिए अहमद फैज जो उनका कैप्टन है वो बॉलिंग भी कर सकता है एक से दो ओवर तो इसलिए मैं बोलूंगा आपके लिए सेफ ऑप्शन स्मॉल लीग में रहने वाला है अहमद फैज बाकी एन के बारे में बात करोगे तो एन की टीम मुझे थोड़ी स्ट्रॉन्ग नजर आती है क्यों नजर आती है सतीश शंकर है जो ये ओपन करता है देख सकता है लास्ट टू लास्ट दो स्टार्टिंग जो सेकंड मैच होता है उसमें एक इंपॉर्टेंट प्लेयर ने खेला था उसका नाम था आमिर खान तो लास्ट मैच वापस आया जिसके कारण सतीश जो पहले लास्ट मैच में बॉलिंग कर रहा था उसने मैच में बॉलिंग नहीं करी तो उस चक्कर में इसको कल जैसे अमीर खान वापस आया तो इसको बॉलिंग नहीं मिली पर स्टिल ओपन करने आ रहा तो मैं आपको ग्रैंड लीग की पिक बोलूंगा स्मॉल लीग के लिए नहीं बोलूंगा इनके पास अच्छे खासे बॉलिंग ऑप्शन इनका इंपॉर्टेंट बॉलर आ चुका है तो शायद इसको मौका ना मिले ओपन करेगा पर पे अनास मलिक है ओपन करेगा स्मॉल लीग के लिए अच्छी पिक नहीं बोलूंगा दैन यहाँ पे बोलूंगा यहाँ पे वीरनदीप सिंह दोनों टीम में सबसे बेस्ट ऑलराउंडर इंटरनेशनल लेवल में मलेशिया के लिए ओपन करने भी आता है और बहुत बढ़िया प्लेयर है वीरनदीप सिंह और कंसिस्टेंट परफॉर्मर है बाकी इसको टीम में लेना नहीं बोलना इवन कैप्टन के लिए वन से बेस्ट चॉइस है हक, हकीम के बारे में बात करें दोनों विकेट कीपर में तो किसी भी विकेट कीपर ले सकते हो दोनों ही अच्छे हैं बट यहाँ पे जो एन एस की टीम है स्ट्रॉन्ग है तो अपोनेंट टीम में विकेट ज्यादा गिरेंगे तो यहाँ पे आपको कैचिंग वगैरह के पॉइंट मिल सकते हैं यहाँ पे ठीक है तो ए रमली के बारे में बात करें तो ये टूर्नामेंट अभी तक इसने कुछ खास करानी है बट 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 लिख लो ये भी इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर है मौका मिलना है इसको एक दो इनिंग के अंदर इसको एक मौका मिला मतलब लास्ट मैच में तो मौका मिला बट परफॉर्म नहीं कर पाया बट स्टिल मैं बोलता तो हूँ एक और मौका मिल गया ना से तो ये भाई बड़ी इनिंग खेल सकता है ये रहेगा मेरे ग्रैंड लीग का त्रुप का एक का दूसरा हकीम हरीसन के बारे में बात करें तो इसको थोड़ा रखेंगे भारत ने इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा मैं बाकी बात करें आमिर खान इंपॉर्टेंट पे का है चार ओवर पूरे डालेगा प्लस बैटिंग अच्छी हो गता मिडिल ऑर्डर में इद्रेस इंटरनेशनल प्लेयर है आपके लिए ग्रैंड लीग में वाइस कैप्टन या स्मॉल लीग में वाइस कैप्टन की बहुत अच्छी चॉइस रह सकता है इधरस एहमर खान को चार ओवर पूरे मिल रहे हैं और डेथ में जो बैटिंग करना है इसको बॉलिंग में ले लेना पवनदीप सिंह लास्ट दो मैच में अच्छी बॉलिंग नहीं करके दिखा रहा लास्ट मैच में नहीं करी तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर है और इंटरनेशनल में कंसिस्टेंट परफॉर्म करके जाता है पवनदीप सिंह मेरी नजर है तीसरा इस पर रहने वाली है अब रहेगा वीज दुरई सिंगम तो इसकी बॉलिंग में थोड़ा डाउट है कि मिलेगी नहीं मिलेगी ठीक है तो इसको रखते हैं बाहर बाकी बॉलिंग में देखोगे तो दृश है चार ओवर डालेगा जो मिडिल ऑर्डर बैटिंग करने का पवनदीप सिंह मैं बता रहा हूं। ये मेरे लिए तुरुप का एक का रह सकता है ग्रैंड लीग में वाइस कैप्टन भी कर सकते हो वीरंदीप सिंह को अगर आप ज्यादा टीम बनाते हो आमिर खान के बारे में बता रहा हूं वाइस कैप्टन के लिए अच्छी प्ले वरणदीप सिंह कैप्टन की सबसे बेस्ट चॉइस एम आरान खान आपके लिए टीम में रहने के लिए, लिए लाइक प्लेयर तो मैंने थोड़ा स्मॉल लीग के लिए सेफ टीम बनाई इसमें मैंने ये टीम सिलेक्ट करी है देख सकते हो आप बट इस टीम में मैं स्लाइड चेंज करना चाहता हूँ क्यों आपको रीजन बताता हूँ विकेट कीपिंग में हकीम के साथ जो एन एस की टीम थोड़ी स्ट्रांग है इसलिए ठीक है और बाकी बात करें ग्रैंड लीग में आप इसे कर सकते हो बाई चांस होता क्या है एन एस की टीम की बैटिंग सेकेंड होती है अगर टॉप ऑर्डर अच्छा परफॉर्म करता है इसको कैचिंग स्टम्पिंग का एक भी पॉइंट नहीं मिलता अगर बीस तीस रन मारता है तो आपके लिए ग्रैंड लीग का पिक बन सकता है हजार ठीक है बाकी बात करें फैस को मैं ड्रॉप कर सकता हूँ पर स्मॉल लीग में नहीं करना ड्रॉप ठीक है, है स्मॉल लीग में सेफ रख के चलो रमली और इनको स्मॉल लीग में मतलब अभी ग्रैंड लीग की बात करूंगा अभी स्मॉल लीग की बात कर रहा हूँ बस मैं बिलास सावे लास्ट मैच नहीं खेला पर पहले मैच में काफी अच्छी बैटिंग करी कितनी रन की सेवेंटी एट है एट्टी रन की इनिंग खेली थी खेलेगा तो ओपन करेगा तो इसको अगर खेलेगा तो स्मॉल तो लीग में मिस मत करना बिलास सावे को बिरनदीप सिंह को ए फैस को यहाँ पे बात करे आता है इद्रिस इद्रिस को भी मत मत करना मिस मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करेगा चार ओवर करेगा बाकी बात करें आते हैं यहाँ पे नजरुल रहमान के बारे में बात करेंगे ग्रैंड लीग के बारे में जब बनाएंगे टीम यहाँ पे ए खान को लेकर चल रहे हैं और बाकी बात करें सतीश ओपन करेगा अगर इनमें से कोई एक प्लेयर नहीं खेलता था ए खान आमिर खान वगैरह फिर टीम से बाहर बैठता तो यहाँ पे आया सतीश कुछ ओवर डाल सकता है तब आपके लिए एक अच्छे पिक बन सकता है स्मॉल लीग प्लस ग्रैंड लीग दोनों में ठीक है बाकी बात करते हैं ए खान के बारे में तो इसको लेना चार ओवर डाल रहा है बाकी बात करें एल नूर हकीम सहार के बारे में मडल uh, ऑर्डर में बॉलिंग कर रहा है चार ओवर मतलब बॉलिंग चार ओवर कर रहा है मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर रहा है एक मैच में शायद ओपन भी आया था, था ये बाकी बात करें यहाँ पे जो बॉलर्स के साथ मैं थोड़ा छेड़छाड़ करना चाहूँगा एफशम आई थिंक लास्ट मैच नहीं खेला था एफशम आएगा तो मैं डेफिनेट फित्री शम को लूंगा ये इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर है तो यहाँ पे फित्री शम के साथ जाऊंगा इनरेस्पेक्टिव पॉइंट देख के मत जाना मैं यहाँ पे फित्री शम के साथ जाने वाला हूँ देन जबरानी को ले सकते हो इसको ले सकते हो आप आपको मैं बोलूंगा पवनदीप को ट्राई करना बहुत अच्छा बॉलर है चार ओवर करेगा और अच्छे खासे विकेट देने की कैपेबिलिटी है आप जबरानी की जगह यहाँ पे पवनदीप को ले सकते हो तो मैं ये टीम शायद जा सकता हूँ क्योंकि एन की बैटिंग थोड़ी स्ट्रांग है और यहाँ पे अपोनेंट टीम को इतने विकेट के चांसेस नहीं और यहाँ पे जो बड़े प्लेयर उनको लेंगे तो आई थिंक स्मॉल लीग के लिए मैं बोलूँगा मेरे अकॉर्डिंग अगर स्टै uh, और मैं अपने एक्सपीरियंस और इनके पास परफॉर्मेंस और इनकी इंटरनेशनल परफॉर्मेंस को बेस में रख के बनाऊँ और प्लेयर की वैल्यू को देख के बनाऊँ तो आई थिंक ये टीम बेस्ट है कैप्टन वीरणदीप और वाइस कैप्टन अजमल सिंह और यहाँ पे एनएस की टीम थोड़ी स्ट्रांग है ठीक है तो एक अच्छा ऑप्शन है अब ग्रैंड लीग में आपको मैं क्या टीम बना के दे रहा हूँ में आप ये कर सकते हो ट्राई है यहाँ पे मैंने हकीम को लिया है यहाँ पे अरुद्दीन को लिया मैंने एफ एज को बाहर करके क्योंकि अरुद्दीन इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर ओपन करता है यहाँ पे मैंने ये लिया बिलास सावे नहीं खेलेगा तो इसकी जगह मैं रमली ले लूंगा बिलास सावे खेलेगा तो बिलास सावे के साथ जाऊंगा अदरवाइज मैं रमली ले लूंगा अगर बिलास सावे नहीं खेलेगा तो बाई चांस बिलास सावे नहीं खेलता तो मैं यहाँ रमली को लेके चलते हैं मिस हो गया कहीं तो यहाँ पे मैं रमली को ले सकता हूँ बट क्रेडिट अवेलेबल नहीं हो रहा है क्रेडिट क्रेडिट है नौ, दस नौ, दस नौ है रमली अवेलेबल तो उस केस में क्या करना पड़ेगा आपको किसी भी प्लेयर को मिस करना पड़ेगा मैं अरुदिन के साथ जा रहा हूं यहाँ पे रमली ले सकते हो आप ग्राइंडिंग में मस्ट ट्राई करना मैंने नजरील को लिया है आप ऐसा कर सकते हो एक टीम में नजरील को ट्राई करना एक में रमली को ट्राई कर लेना तो दोनों कोई बात बनेगी नहीं ज़्यादा और बाकी ए खान को ले लेना और यहाँ पे आप चाहो तो ये भी कर सकते हो ऐसा कर लेना ग्रैंड लीग में कुछ ऐसा डिफरेंस हो सकते हो आप और यहाँ पे आई थिंक इनकी बैटिंग थोड़ी स्ट्रांग है तो इनके बॉलर को मैं इतना प्रेफरेंस ज़्यादा ना दूँ यहाँ पर फिर मैं कर सकता हूँ यहाँ पर जबरी जबरानी को कम और यहाँ पे आप ले सकते हो फिर एक बॉलर एक्स्ट्रा किसी जैसे सतीश अगर बाई चांस एक इसको ले सकते हो आप सहार को तो आप ये टीम क्रिएट कर सकते हो ग्रैंड लीग के लिए मैं आपको एक टीम बना के दे रहा हूँ ग्रैंड लीग के लिए तो आपको मैंने बताया सारे प्लेयर के बारे में कौन क्या कर सकता है और किस प्लेयर में मेरे को त्रुप का एक का त्रुप और यहाँ पे बात करें ये तुरु का एक बाकी बात करें नजरील रहमान बहुत इंपॉर्टेंट है पवनदीप सिंह ग्रैंड लीग में वीसी सी का उगर करना एक टीम में और फितरी श्रम के बारे में बोलूँगा अच्छा प्लेयर है बट अपोनेंट की बैटिंग अच्छी इसलिए मैं थोड़ा इतनाटेट नहीं करूँगा वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना ये ग्रैंड लीग की टीम है पहले दिखाई तो स्मॉल लीग की है और फाइनल टीम जो होगी टेलीग्राम पर मिलेगी और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर बटन नीचे दिखाई दे रहा होगा और सब्सक्राइब कर बटन दबाने के बाद वो घंटी दिखाई देगी बेल आइकन दिखाई देगा तो उसको दबाना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जब भी वीडियो अपलोड करो और दोस्तों के शेयर करना कमेंट में कोई भी क्वेश्चन पूछे सबका कर रिप्लाई करूँगा टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करना वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ सा नीचे कमेंट करते कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट में मिल जाएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मिलते फिर एक नई वीडियो के साथ चाहे दोस्तों बाय बाय